भजन संहिता अध्याय सात। भजन संहिता अध्याय सात। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है। सब पीछा करने वालों से मुझे बचा और छुटकारा दे, ऐसा न हो कि वे मुझको सिंह की नाई फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर डाले और कोई मेरा छुड़ाने वाला न हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, यदि मैंने यह किया हो, यदि मेरे हाथों से कुटिल काम हुआ हो, यदि मैंने अपने मेल रखने वालों से भलाई के बदले बुराई की हो, वरन मैंने उसको जो अकारण मेरा बैरी था बचाया है, तो शत्रु मेरे प्राण का पीछा करके उसे आ पकड़े, वरन मेरे प्राण को भूमि पर रौंद दे और मेरी महिमा को मिट्टी में मिला दे। हे यहोवा, क्रोध करके उठ, मेरे क्रोध भरे सताने वालों के विरुद्ध तू खड़ा हो जा और मेरे लिए जाग। तूने न्याय की आज्ञा तो दे दी है और देश देश के लोगों की मंडली तेरे चारों ओर हो और तू उनके ऊपर से होकर ऊंचे स्थानों पर लौट जा। यहोवा समाज समाज का न्याय करता है। हे यहोवा, मेरे धर्म और खराई के अनुसार मेरा न्याय चुका दे। भला हो कि दुष्टों की बुराई का अंत हो जाए, परंतु धर्मी को तू स्थिर कर, क्योंकि धर्मी परमेश्वर मन और मर्म का ज्ञाता है। मेरी ढाल परमेश्वर के हाथ में है, वह सीधे मन वालों को बचाता है। परमेश्वर धर्मी और न्यायी है, वरन ऐसा परमेश्वर है जो प्रतिदिन क्रोध करता है। यदि मनुष्य न फिरे तो वह अपनी तलवार पर शान चढ़ाएगा, वह अपना धनुष चढ़ाकर तीर संधान चुका है और उस मनुष्य के लिए उसके मृत्यु के हथियार तैयार कर लिए हैं। वह अपने तीरों को अग्निबाण बनाता है। देख, दुष्ट को अनर्थ काम की पीड़ाएं हो रही है, उसको उत्पात का गर्भ है और उससे झूठ उत्पन्न हुआ है। उसने गड्ढा खोदकर उसे गहरा किया और जो खाई उसने बनाई थी उसमें वह आप ही गिरा। उसका उत्पात पलटकर उसी के सिर पर पड़ेगा और उसका उपद्रव उसी के माथे पर पड़ेगा। मैं यहोवा के धर्म के अनुसार उसका धन्यवाद करूंगा और परम प्रधान यहोवा के नाम का भजन गाऊंगा।